Hello student, my name is Anuj Chind and you're watching the beautiful channel where you feel the concept. Today we are going to introduce the new topic of the chapter electric charge and electric field, and that topic is Coulomb's law. Before going to start this topic, recall the previous one. In previous lecture we discussed about the charges, types of charges, after that properties of charges, and one property is there, that is quantization of charge is very important property, all of these properties. After that discuss the way of charging a neutral body, है ना. तो इन सारी चीजों को करने के बाद आज बात करेंगे कूलम्स लॉ के ऊपर. देन व्हाट इज कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ को समझने से पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने एक जिक्र किया था कि चार्ज क्या होता है. चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, और मैंने वहां पर एक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी, दैट इज मास, है ना. तो मास एंड चार्ज बोथ आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. तो मास के ऊपर जिसने अपना डिस्कशन की अपने रिसर्च के अंदर, उन्होंने बताया उसके ऊपर अपना एक लॉज दिया, और उनके बीच में चार्जेस मासेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस के बारे में बताया, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसको न्यूटन ने दिया था. तो न्यूटन ने जो मासेस के बीच में, अगर दो मास हैं, ये एम वन बॉडी है और उसका मास एम वन है, एक बॉडी है जिसका मास एम वन है और सेकेंड बॉडी है जिसका मास एम टू है, और वो कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, दैट इज आर. तो यहाँ पर क्या बताया था न्यूटन ने कि इनके बीच में जो लगने वाली, ये क्योंकि मासेस के बीच में जो फोर्स लगती है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी दोनों मासेस के प्रोडक्ट के, और ये फोर्स जो लग रही है ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ डिस्टेंस था, ठीक है. आई थिंक आपने ये चीजें की हुई ऑलरेडी. देन एफ इज इक्वल टू क्या बन जाता था, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, वेयर जी क्या था, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है. तो ये न्यूटन ने मासेस के ऊपर बताया. न्यूटन्स की इन्हीं चीजों को देखते हुए कूलम्ब्स ने सोचा कि सेकंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चार्ज है, तो उसकी भी सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा, जैसे दो चार्जेस होंगे अगर, सेम यही बेटे कॉन्सेप्ट है कूलम्ब्स का भी, कि दो पॉइंट चार्ज ले लिए, पॉइंट चार्ज सपोज ये चार्ज क्यू वन है और ये प्लस चार्ज क्यू टू है. अब जैसे मैंने दो पॉजिटिव चार्ज लिए, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही फोर्स थी, मास के केस में तो एक ही फोर्स होती है, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स, लेकिन चार्जेस के केस में जो फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, ठीक है. अगर मैं यहाँ पर लाइक चार्ज लूंगा तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगी दैट इज रिपल्सिव फोर्स, और अगर मैं ये अनलाइक चार्ज लूंगा तो दोनों के बीच में कैसे लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी. तो इनके ऊपर मैंने ये कंसिडर कर लिए, दो पॉइंट चार्ज हैं प्लस क्यू वन एंड प्लस क्यू टू एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस आर, सेम ऐसे ही यहाँ पर मास था यहाँ पर चार्जेस हैं. तो इन दोनों, ये दोनों क्या करेंगे, चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो किसी फोर्स से करेंगे, जैसे यहाँ पर वो अट्रैक्ट कर रहे थे. तो कूलम्ब्स ने क्या बोला कि ये जो फोर्स लग रही है दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन इंटू क्यू टू, जैसे यहाँ पे उसने मास का यूज किया, कूलम्ब ने वहां पर चार्ज का यूज किया क्योंकि सेम वही प्रॉपर्टीज हैं. तो कूलम्ब ने भी कहा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, एंड सेकंड दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, सेम वही कॉन्सेप्ट बेटे, कोई चेंज नहीं इसके अंदर. सिर्फ यहां पर मास की बात कर रहा था न्यूटन ने, मास की बात, यहां पर उसने चार्ज की बात की. अच्छा, सेकेंड थिंग उसने ये बताया कि ये जो फोर्स लगती है ये हमेशा कैसे लगती है, कि इस लाइन ऑफ एक्शन के अक्रॉस लगेगी, जैसे ये चार्ज जो है इस चार्ज के ऊपर जब ये फोर्स लगाएगा तो इसका लाइन ऑफ एक्शन किस तरफ होगा, इस लाइन के अक्रॉस इस तरफ होगा, ठीक है. अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो इसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरफ होगा, ठीक है, और ये चार्ज इस चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा तो उसका लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स है तो उसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरफ होगा, और अगर ये अट्रैक्टिव होती तो इस तरफ होता, ठीक है, जो सेंटर के क्रॉस जो ये लाइन जा रही है, जो सेंटर टू सेंटर होती है ये हमेशा, ठीक है, तो उसके क्रॉस ये हमेशा फोर्स लगती है. अच्छा, इसके बाद सेम एज इट इज बेटे, यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आप कह सकते हो कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है. डेफिनेशन भी लिखना चाहो तो यहां पर आप कूलम्ब्स लॉ की डेफिनेशन लिख सकते हो, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन
देन, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो लग जाएगा बेटे यहाँ पर एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, वेयर के क्या चीज है बेटे यहाँ पर, वेयर के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं, वेयर के इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हैविंग वैल्यू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम। अच्छा, इन दोनों कांस्टेंट के यहां पर डिफरेंस है, दोनों कांस्टेंट्स के बारे में आपको बताता हूं। ये जो कांस्टेंट होता है जी, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोला जाता है। जैसे आपने एक और यूनिवर्सल कांस्टेंट के बारे में किया, दैट इज गैस, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है, हर मीडियम के अंदर इनकी वैल्यू सेम रहेगी। तो इसलिए ये जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये इन दोनों मासेस के बीच में मीडियम कौन सा उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते इसकी वैल्यू। लेकिन यहां पर जो ये के लिया मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी इन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम कौन सा है, इस मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है वेयर के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या आप इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह सकते हो या कोलंबियन कांस्टेंट कह सकते हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो के की वैल्यू यहां पर क्या होती है, के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, ये जो सिंबल मैंने लिया बेटे इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है, और साथ में मैंने लगाया नॉट, इसको बोले नॉट, एप्सिलॉन नॉट। नॉट का मतलब ये मैंने जो के की वैल्यू ले रहा हूं मैं फ्री स्पेस की ले रहा हूं, वैक्यूम के केस में ले रहा हूं, या मैं बोल दूं मैं एयर के केस में ले लूं, क्योंकि एयर और फ्री स्पेस के अंदर इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट क्या अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहती है, इसलिए एयर के अंदर जो वैल्यू होगी के की वही फ्री स्पेस के अंदर वैल्यू होगी। और फ्री स्पेस के लिए हमेशा ध्यान रखना नॉट सिंबल का यूज लिया जाता है, एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज मैं ले रहा हूं, ये फ्री स्पेस में बात कर रहा हूं मैं इसकी के की वैल्यू की, और फ्री स्पेस में के की वैल्यू जो ये होती है 9×10⁻⁹, हाँ जी 10⁻⁹, और इसका यूनिट क्या बनेगा, तो के के आप यूनिट बना भी सकते हो, तो आपको फॉर्मूला पता है, तो आप के का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाय Q1 Q2, ये फॉर्मूला बन जाएगा ना के का। तो यहां से आप के का फॉर्मूला बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या बन जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाय Q1 Q2। तो इसके फॉर्मूले से इसके यूनिट बनाया करो हमेशा, यूनिट क्या बनेगा, फोर्स का न्यूटन, आर का क्या होगा मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 क्या क्या होगा कूलम्ब स्क्वायर, तो क्या बन गया इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो के की वैल्यू कितनी होती है फ्री स्पेस के केस में, 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अच्छा, यही के की वैल्यू अगर मैं वापस यहां पुट कर दूंगा तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा, ये रेज करो बेटे, मैं साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते जाना क्योंकि बोर्ड अपना छोटा है और उसकी वजह से मुझे बार बार इरेज करना पड़ेगा, तो साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते जाना। तो एफ की अपने पास वैल्यू क्या बन गई है, एफ इज इक्वल टू के की वैल्यू पुट करी मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और एक चीज देखो यहां पर, ये मैंने एप्सिलॉन नॉट लिया, नॉट मतलब मैं बात कर रहा हूँ एयर की, फ्री स्पेस की, वैक्यूम की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए जो ये फोर्स आई है ये मेरी, तो ये फोर्स भी कौन सी है, वैक्यूम के केस में मैंने जो फोर्स, जब दोनों चार्जेस को मैं एयर के अंदर रख के बात कर रहा हूँ, दोनों चार्जेस को मैंने एयर के अंदर रखा है या मैं बोल दू फ्री स्पेस के अंदर रखा है, उस टाइम दोनों चार्जेस के बीच में जो ये फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहां से आप एक चीज और सीख सकते हो कि अगर ये चार्ज Q1 और Q2 दोनों यूनिट चार्ज हैं, Q1 एंड Q2 बोथ आर यूनिट चार्ज, और उनके बीच में डिस्टेंस यूनिट चार्ज, मीन क्या हुआ कि ये जो Q1 है ये भी 1 कूलम है और ये Q2 है ये भी 1 कूलम है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं 1 मीटर है, तो उस केस के बीच में क्या होगा कि अपने पास फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और ये सारा तो क्या हो जाएगा 1 into 1 by 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 into 10 to the raise power 9, ठीक है। और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो एक चीज यहां से क्लियर हो जाती है, अगर दो चार्जेस एयर के अंदर हैं और दोनों यूनिट चार्ज हैं और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, यूनिट डिस्टेंस ही है, तो उस टाइम उन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, 9 इंटू 10 टू द रेस पर 9 न्यूटन फोर्स लगेगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना बेटे। अब आते हैं इस वर्ड के ऊपर, जो ये मैं वर्ड यूज किया मैंने एप्सिलॉन नॉट, इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये इरेज कर दूं मैं इधर से, हाँ जी, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल देना, ठीक है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट एक्चुअल में है क्या चीज, ये इसको बोला जाता है बेटे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ नॉट की बात कर रहा हूं ना मैं, तो ऑफ फ्री स्पेस की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं किसी मीडियम की होती तो उसको मैं एप्सिलॉन एम से रिप्रेजेंट बोल करता, मैं एम मीन मीडियम से, ठीक है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एक्चुअल में इसकी वैल्यू जो फ्री स्पेस के अंदर इसकी वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10 टू द रेज पर माइनस 12। अच्छा, और इसका यूनिट आप फिर से बना सकते हो, मैंने आपको बताया कि अगर फॉर्मूला पता हो तो आप यूनिट बना सकते हो। तो यहां से अगर आप यूनिट बनाना चाहो तो क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो क्या बन जाएगा ये एफ नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू, करके देखो साथ साथ, ठीक है। क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एफ नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू। एप्सिलॉन नॉट को सब्जेक्ट बनाया, सारा उस तरफ चला गया, सारा उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्यू वन क्यू टू अपॉन एफ नॉट आर स्क्वायर बाय साथ में आ जाएगा 4 पाई। तो 4 पाई तो क्या चीज है, कॉन्स्टेंट टर्म है, यूनिट होता नहीं है उसका, तो अपने पास क्या बन जाएगा, ओनली क्यू वन क्यू टू बाय एफ नॉट आर स्क्वायर बनेगा। और क्यू वन क्यू टू क्या हो गया, कूलम स्क्वायर अपॉन क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एक चीज वो देखो यहां पर कि इसके जो यूनिट बने हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये जो के यूनिट अपन ने बनाए थे, के यूनिट शायद मैंने इरेज कर दिए, जो के का यूनिट बना था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, उसके देखो हमेशा अपोजिट बने हैं, ठीक है। या इनको आप ये भी लिख सकते हो फैरड, फैरड पर मीटर भी बोला जाता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के साथ इसको आप बोल सकते हो, या फिर और फैरड पर मीटर। अच्छा, अब इसके ऊपर आते हैं परमिटिविटी को और डिटेल के अंदर, अब समझाता हूं क्या होता है एक्चुअल में परमिटिविटी है क्या चीज। परमिटिविटी एक मीडियम की प्रॉपर्टी है, जैसे ये दो चार्जेस एयर में पड़े हैं तो इस एयर की मीडियम की, इस मीडियम की एक प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करती है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लगेगी, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिसाइड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। जैसे एयर है, यहां पर एयर की परमिटिविटी अलग है, इसके अलावा मैं यहां पर क्या लगा दूं, वाटर डाल देता हूं, दोनों चार्जेस को मैंने वाटर के अंदर प्लेस कर दिया, मीडियम क्रिएट हो गया एक वाटर, तो उस वाटर की अलग से परमिटिविटी होगी जो डिसाइड करेगी इन दोनों चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लगेगी। तो ध्यान रखना परमिटिविटी क्या चीज होती है, इसको लिख देती हूं इसकी डेफिनेशन भी, तो ये राइट कर लेते बेटे, इरेज कर दूं मैं। क्या होता है परमिटिविटी, आप हेडिंग बना सकते हो इसकी यहां पर, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की बात कर रहे हैं यहां पर, तो इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिटरमाइन, विच डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे, परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो डिसाइड, देखो एयर के केस में क्या होता है, सबसे कम जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है तो वो किसकी होती है, एयर की होती है। और एक चीज यहां से और भी आप क्लियर कर सकते हो कि जो फोर्स होती है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी होता है,
है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। अगर फोर्स की वैल्यू ज्यादा लग रही है, मतलब दो चार्जेस के बीच में फोर्स ज्यादा लग रही है, तो इट मीन्स क्या होगा, उस मीडियम की प्रॉपर्टी जो है, परमिटिविटी जो है, उसकी वैल्यू कम है, ठीक है। और अगर दो मीडियम, मैंने जैसे एयर है, एयर की परमिटिविटी कम है, मैं वाटर डाल दूंगा, तो वाटर की परमिटिविटी एज कंपेयर टू एयर क्या होती है, ज्यादा होती है, तो वो क्या होगी, तो फोर्स दोनों चार्जेस के बीच में अगर परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगी वो कम लगेगी, ठीक है। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना आप यहां पर। तो अगर मैं यहां पर बेटे बात कर रहा था इसकी फ्री स्पेस के केस में, तो F नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 πε₀ Q1 Q2 r2। ऐसे बेटे में अगर मैं दो चार्जेस के बीच में मीडियम प्लेस कर देता हूँ, एक वॉटर डाल दिया, कोई एक्सेप्ट एयर, कोई भी आप मीडियम ले सकते हो, जैसे ये दोनों चार्जेस हैं, ये Q1 था, ये Q2 चार्ज है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, और इनके बीच में कोई मीडियम है यहाँ पर, जैसे पहले अपने जो केस लिया था Q1 Q2 चार्जेस हैं और डिस्टेंस है r, और सपोज ये एयर के केस में था, और एयर के केस में जो अपने फोर्स निकाल दी वो इतनी आ गई, 1/4 πε₀ Q1 Q2 r2। अगर मैं इन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में एक और मीडियम डाल दूं यहाँ पर, एक्सेप्ट एयर, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये फोर्स मीडियम की है, तो इसको आप लिख सकते हो 1/4 πε₀ m Q1 Q2 r2, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए बेटे, कि मीडियम के केस में परमिटिविटी की वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा मीडियम के अंदर जो फोर्स लग रही है वो हमेशा लेस देन होगी फ्री स्पेस से। फ्री स्पेस के अंदर हमेशा फोर्स क्या लगती है, ज्यादा होती है चार्जेस के बीच में, क्योंकि उसकी परमिटिविटी की वैल्यू सबसे कम रहती है। इसके अलावा कोई और भी मीडियम आ गया तो उसकी वैल्यू हमेशा, फोर्स की वैल्यू जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रही है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, कम होगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 4। इक्वेशन नंबर ये थी अपने पास 3 और ये इक्वेशन नंबर आ गया अपने पास 4। तो अपने एक मीडियम के अंदर दो चार्जेस के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है वो कैलकुलेट कर लिया, और एक फ्री स्पेस के अंदर दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लग रही है वो भी कैलकुलेट कर ली, है ना, ये दोनों अलग अलग फोर्स निकाल ली। अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों फोर्सेस को, कि एक फ्री स्पेस के अंदर लगने वाली फोर्स और एक मीडियम के अंदर लगने वाली फोर्स को अगर मैं रिलेट करता हूँ आपस में, तो कैसे करेंगे बेटे इनको रिलेट, फ्रॉम डिवाइड इक्वेशन 3/4, तो क्या बनेगा अपने पास, ये एफ नॉट बाय एफ एम इज इक्वल टू, एफ नॉट की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1/4 πε₀ Q1 Q2 r2, और ये अपॉन में जाएगा, ये वाला सारा अपॉन में जाएगा, तो रिवर्स हो जाएगा ना, रिवर्स होकर क्या बनेगा, 4πε₀ m, और अपॉन में क्या जाएगा इसके, Q1 Q2, ठीक है, और ये r2 था, ये भी r2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर मल्टी में r2, तो ये r2 से r2 कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, ये F/F0/Fm इज इक्वल टू εm/ε₀, ठीक है। और ये जो रेशियो अपने पास निकल के आ गया यहां पर, जब अपने दोनों फोर्सेस को, फ्री स्पेस की फोर्स को और मीडियम की फोर्स को कंपेयर किया, तो एक नई चीज सामने आई अपने पास, वो क्या चीज आई, कि एक रेशियो निकल के सामने आया, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको नाम दिया गया रिलेटिव परमिटिविटी का, किसका, रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां से आप रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन लिख सकते हो, रिलेटिव परमिटिविटी क्या बन गई, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको बोला गया रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। अब इस रिलेटिव परमिटिविटी को इस वे के अंदर लिख सकते हैं अपन, एफ नॉट बाय एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, ठीक है। अच्छा, आगे चल के ना आप एक कांस्टेंट के बारे में समझोगे, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको के से रिप्रेजेंट करा जाता है, किसे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा क्लोज होती है
रिलेटिव परमिटिविटी के, इसलिए ई आर को आप रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हो या फिर डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो, और अगर आप डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट बोलोगे तो उसको आप के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको इस वे के अंदर भी लिख सकता हूं कि एफ नॉट बाय एफ एम इज इक्वल टू के। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं कहूं कि फ्री स्पेस के अंदर लगने वाली जो एफ नॉट फोर्स है ये कितने टाइम्स ज्यादा होगी मीडियम से, तो ये क्या बन जाएगा बेटे यहां पर कि एफ नॉट इज इक्वल टू के टाइम्स ग्रेटर देन एफ एम, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना कि हमेशा क्या होगी, जो फ्री स्पेस के अंदर फोर्स लग रही है वो के टाइम्स ग्रेटर देन होगी मीडियम के अंदर फोर्स लगने से, ठीक है। तो आई थिंक ये बातें आपको क्लियर होगी होंगी बेटे, तो राइट करो। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के अंदर, तो राइट कर लो। अब बात करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के अंदर कि कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म के अंदर कैसे ड्राइव करोगे। जैसे आपने पहले कूलम्स लॉ कर लिया कि f इज इक्वल टू के के वन के टू बाई आर स्क्वायर एंड के इज वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो आप बन गए f इज इक्वल टू वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन के वन के टू बाई आर स्क्वायर। अगर उसी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे करोगे, तो देखो वेक्टर फॉर्म के लिए मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर रहा हूँ। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से एक चार्ज है ये क्यू वन, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये कोई कंपल्शन नहीं होती कि मैं जो ये चार्ज ले रहा हूँ ये पॉजिटिव ही हो, आप पॉजिटिव नेगेटिव भी ले सकते हो, आप दोनों नेगेटिव भी ले सकते हो, दोनों पॉजिटिव भी ले सकते हो, एज यू विश, ठीक है। तो ये मैं पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ जिसकी पोजिशन वैक्टर है, सपोज ये आर वन है, आर वन इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ क्यू वन चार्ज। ऐसे ही सेम सेकेंड चार्ज है क्यू टू, और इस सेकेंड प्लस चार्ज है ये भी क्यू टू, और इसका पोजिशन वैक्टर है आर टू, ठीक है। और ये दोनों चार्जेस का ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अच्छा, अब मैं इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में आपको अच्छे से बताता हूँ। जैसे आपने किया था ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए आपने इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर मैं बोलूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आर, ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या लिखोगे वो भी आगे आगे मैं क्लियर करता हूँ आपको। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की आपको वैल्यू निकालनी है, तो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप इसकी वैल्यू ले सकते हो कि ये जो साइड्स है आर टू वैक्टर जो है, आर टू वैक्टर इज इक्वल टू आर वन वैक्टर प्लस आर वैक्टर, ठीक है। तो यहां से आप आर टू वैक्टर की वैल्यू क्या बन जाएगी आर, हाँ जी आपको सॉरी आर वैक्टर की वैल्यू निकालनी थी, तो आर वैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर टू वैक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो आप इस वे के अंदर इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, इसी चीज को मैं थोड़ा सा इस तरह बना के आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे है। ये मेरे पास Q1 चार्ज है, ठीक है, प्लस Q1, और ये Q2 चार्ज है। अच्छा, अब ये इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R। अब यहां पर क्या था कि जब वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखते हो तो वेक्टर के अंदर क्या होता है, डायरेक्शन शो करनी होती है कि ये दोनों फोर्सेस जो लग रही हैं उनकी एक्चुअल में डायरेक्शन क्या है, उनके पोजीशंस क्या है, उनके पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, सारी चीजें मेंशन करनी होती है। जैसे आपने किया था यूनिट वेक्टर के बारे में, तो यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास दोनों चार्जेस हैं क्यू वन क्यू टू, सपोज ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्यू वन जो क्यू टू के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो इस तरफ लगाएगा, और इस फोर्स को बोलते हैं फोर्स एग्जर्टेड बाय सेकंड चार्ज, सेकंड लगा रहा है फर्स्ट के ऊपर, ठीक है, क्यू टू लगा रहा है क्यू वन के ऊपर, ऐसे ही सेम क्यू वन भी क्यू टू के ऊपर फोर्स लगाएगा, इस तरफ का बोलोगे फर्स्ट लगा रहा है सेकंड के ऊपर, ठीक है, सेकंड लगा रहा है फर्स्ट के ऊपर, फर्स्ट लगा रहा है सेकंड के ऊपर। तो इन चीजों को ना आप जब लिख रहे हो तो इस सारे को अपनी हैंड राइटिंग के अंदर, अपने नोट्स के अंदर प्रिपेयर करते हैं ना, वेयर एफ टू वन इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय सेकंड चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज एंड एफ वन टू इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय फर्स्ट चार्ज ऑन सेकंड चार्ज। अच्छा, अब आते हैं इनके डिस्प्लेसमेंट वैक्टर के ऊपर। तो जो फर्स्ट चार्ज का डिस्प्लेसमेंट वैक्टर है इस तरफ, तो एक चीज यहां ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होती है
वो इन दोनों चार्जेस के हमेशा सेंटर की तरफ होती है। अगर आप इस पॉइंट को समझ जाओगे तो मैं कहता हूँ आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं कि क्या लिखना है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा उनके चार्जेस के सेंटर की तरफ होती है। अगर मुझे Q1 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है तो Q1 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, R12, R12, 1 से 2 की तरफ, और उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, ठीक है, इस तरफ। अगर मुझे इसका Q2 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है तो उसकी डायरेक्शन उसकी फोर्स की तरफ, ठीक है, डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ। इसके R12 की डायरेक्शन इस तरफ, इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा R21 उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अच्छा, अब ये तो दोनों थे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये आप लिख सकते हो R1 इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, R12 इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ चार्ज Q12, Q2 एंड Q2, R21 इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 टू Q1, ठीक है। तो यहां पर आप फोर्सेस की बात करते हैं तो F12 फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F12 वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, F12 इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता था। अब R कौन सा, R कौन सा, तो F12 का, F12 का ये इस तरफ लग रही है F12, और इसी तरफ लगने वाला उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है, R12, कौन सा, R12, ठीक है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं और उसका क्या लेते हैं, स्क्वायर, ठीक है। इसको समझना बेटे कि ये क्या शो कर रहा है, ये कह रहा है कि एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था जिसका आपको ओनली क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। अच्छा, ये वेक्टर लगा दिया, अब इसके साथ में इसकी डायरेक्शन भी बतानी है, तो डायरेक्शन बताने के लिए कौन लेगा, यूनिट वेक्टर लगाओगे आप, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर कैप वन टू, ठीक है। ये ध्यान रखना कि आर कैप वन टू इसका यूनिट वेक्टर है, और इसकी इसको आप इस वे के अंदर भी लिख सकते हो, और F12 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by, आप इसको जनरल मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो। देखो मैग्नीट्यूड को आप इस ले के अंदर, ये एक वेक्टर है R वेक्टर, इसका आपको मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप जनरल R भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको इस वे के अंदर भी लिख सकते हो कि मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि इस वेक्टर का आपको क्या लेना है, ओनली मैग्नीट्यूड लेना है, तो आप इसको इस वे के अंदर भी लिख सकते हो, जनरल R भी लिख सकते हो, R स्क्वायर R कैप 1 2, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा बेटे, इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 1, ठीक है। सेकंड अब बात करते हैं सिमिलरली, सिमिलरली F21 की वैल्यू क्या होगी, F21, F21 इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, हाँ जी, R की जगह R12 की जगह अब क्या लिखा जाएगा, 21 इस तरफ फोर्स लग रही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा हुआ, R21, तो R21 वेक्टर और उसका मॉडुलस, क्योंकि लेना क्या है, मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर, और साथ में उसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, R21, जो उसकी डायरेक्शन बता रहा है फोर्स की, ठीक है। तो इसको आप जनरली ये भी लिख सकते हो, और जैसे मैं दोनों को ही और के अंदर लिख सकता हूं, और F21 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square और R21, ठीक है, R21 cap, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं सेकेंड, हाँ जी। तो दोनों इक्वेशंस के अंदर यहां पर एक चीज देखने वाली है कि R12 और R21, R12 और R21 इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट। नाउ आर वन टू इक्वल एंड अपोजिट, देखो ये जितना मैग्नीट्यूड इसका होगा उतना मैग्नीट्यूड इसका है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव साइन से शो करते हैं, तो आर वन टू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आर टू वन, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है, R12 और R21 इक्वल और अपोजिट हैं, तो ये जो दोनों लगने वाली जो फोर्सेस हैं F12 और F21, ये भी क्या होंगी, इक्वल और अपोजिट होंगी। सो
आप कह सकते हो यहाँ पर कि F12 is equal to और अपोजिट है F21 के, तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ को भी ओबे कर रही है यहाँ पर कि फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। तो यहां तक बेटे आप राइट कर लो, फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, कर लिया राइट आपने। अब आते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अपन ने लिखा है यहां पर, अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो R12 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, R12 को क्या लिख सकता हूं, R12 यूनिट वेक्टर कैसे होते थे उसी वेक्टर का वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना मुझे, एक कंप्लीट वेक्टर के फॉर्म में लिखना है मुझे इस डेरिवेशन को, तो मैं कैसे लिख सकता हूं R12 कैप को, मैं क्या लिखूं, वेक्टर ऑफ R12 बाय उसका मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड R12 उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लूं, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं R कंप्लीट वेक्टर है ये R12 बाय R, ठीक है। और इसकी वैल्यू को अगर उठा के मैं यहां पुट करूं इक्वेशन नंबर वन के अंदर, तो मेरे पास फोर्स क्या बन जाएगी बेटे, नाउ F12 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square into R12 की वैल्यू क्या है अपने पास, R12 by R, तो ये R in R square into R क्या आ जाएगा, R cube, तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई बेटे F12 की, F12 vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R cube, और साथ में उसका कंप्लीट जो वेक्टर है R12 साथ, इस वे के अंदर एक वेक्टर फॉर्म कंप्लीट फोर्स की बन जाती है। ऐसी सिमिलरली ऐसे अपने को निकालना है F21 की वैल्यू, तो F21 की वैल्यू क्या बनेगी, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, तो ऑलरेडी है यहां पर, और R21 कैप को आप क्या लिख सकते हो, हाँ जी R cap 21 को आप क्या लिख सकते हो, कंप्लीट वेक्टर ऑफ R21 by its magnitude, और मैग्नीट्यूड को हमेशा मॉडुलस में लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या बन जाएगा, R वेक्टर 21 by R भी जनरल आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और यही वैल्यू अगर यहां पुट करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, आर क्यूब और साथ में उसका वेक्टर आर टू वन, तो ये वैल्यू आएगी एफ टू वन की। तो दोनों फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में भी आपने लिख दिया। एक चीज, जब मैंने जैसे यहां पर लिखा था कि पोजीशन वेक्टर जब निकाले तो उस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। उस फॉर्म में भी अगर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हो, ये रेज कर दूं, हाँ जी, इसी वेक्टर को ही अगर आपने उसके फॉर्म के अंदर लिखना है, इस फॉर्म के अंदर, तो R12 की वैल्यू अगर मैं निकालूं यहां पर, R12 की वैल्यू ठीक है, R12 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो क्या होगा, R2 माइनस R1, ठीक है, R2 माइनस R1, और अगर R21 की वैल्यू मुझे निकालनी है, R21 इस तरफ है, ठीक है, तो R21 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, हाँ जी, इधर देखना ध्यान से, ये थी R12 की वैल्यू, ठीक है, और अब मुझे निकालनी है R2, ये थी R12 की वैल्यू, अब मुझे निकालनी है R21 की वैल्यू, तो डायग्राम इस वे के अंदर मैं अगर मैं बनाऊं, तो ये Q1 चार्ज है, ठीक है, ये Q2 है, ये इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, ये इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, ठीक है। अब मुझे वैल्यू निकालनी है R21 की इस तरफ, ठीक है, तो R21 की वेक्टर की वैल्यू मुझे निकालनी है इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, तो R21 क्या होगा कि R1 वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ जी, R21 वेक्टर प्लस, हाँ जी, R2 वेक्टर, तो यहां से R21 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यहां पर क्या था, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो यहां पर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो इन दोनों की अगर मैं वैल्यू यहां पुट करूं, यहां पर R12 की और R21 की, तो यहां पर अपने पास कहानी कुछ इस वे के अंदर बनेगी। तो अगर ये आपने राइट कर लिया तो मैं रेज कर सकता हूं, हाँ जी, तो क्या बन गया बेटे, F12
वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर। आर कौन सा था यहाँ पर, आर 1 2 था ठीक है, जिसका ओनली मैग्नीट्यूड लिया था। और आर 1 2 के मैग्नीट्यूड को आप कैसे लिख सकते हो, आर 1 2 का मैग्नीट्यूड वहां लिया था अपने, आर 1 2 वेक्टर जो था वो क्या था, आर टू वैक्टर माइनस आर 1 वैक्टर था ठीक है। और इसका मुझे मैग्नीट्यूड लेना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर 2 वैक्टर माइनस आर 1 वैक्टर, और इसका क्यूब था ना यहाँ पर ठीक है, तो आर 2 माइनस आर 1 वैक्टर का क्यूब इन टू, हाँ जी आर 2 माइनस आर 1 वैक्टर ठीक है। तो इस वे के अंदर ये फोर्स लिखी जाएगी। ऐसे ही आपको क्या लेना है बेटे, एफ 21 की वैल्यू लिखनी है, तो एफ 21 क्या बनेगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1 क्यू 2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यूब। आर की वैल्यू क्या है बेटे, आर की वैल्यू मैग्नीट्यूड एफ 21 का आर 1 माइनस आर 2, और उस वेक्टर का आपको क्या लेना है मैग्नीट्यूड, तो आर 1 वेक्टर माइनस आर 2 वेक्टर, इसका मॉडुलस और उसका क्या बनेगा। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो वैल्यूज है ना, ये जो इक्वेशन मेरे पास बनी थी, इसको इक्वेशन नंबर आप बोल देना, थर्ड फोर्थ थी मुझे ध्यान नहीं है, सपोज ये फिफ्थ है ये सिक्स है, तो आर की वैल्यू मैं सिर्फ इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये वेक्टर की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, और इसी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड की जगह मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट कर रहा हूँ ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ये आर 1 वेक्टर माइनस आर 2 वेक्टर ठीक है। अब बच्चे ना कन्फ्यूज कहाँ रहते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं कि सर आर 1 2 कब लेना है, आर 2 1 कब लेना है। तो इसके अंदर कोई कंपल्शन नहीं हो सकती, कोई कंपल्शन नहीं होती कि आप आर 1 2 लिख सकते हो आर 2 1। सिर्फ एक बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो पोजीशन वेक्टर होते हैं, जैसे ये फोर्स है, पहले भी मैंने बता चुका हूँ, ये क्यू 1 पॉजिटिव, अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो ये, या दोनों क्या है नेगेटिव है, ये माइनस क्यू 1 है ठीक है, और ये माइनस क्यू 2 है। अगर ये दोनों लाइक चार्ज हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे ठीक है, रिपेल करेंगे, तो इनके पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन, मैंने अभी आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर होती है। तो आर 1 2 की वैल्यू ये रहेगी, आर 1 2 इस तरफ, और आर 2 1 की वैल्यू ये है इस तरफ, आर 2 1। ये तो फिक्स रहते हैं, पोजीशन वेक्टर हमेशा फिक्स होते हैं, ये वाले जो सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैं ये हमेशा फिक्स रहते हैं। चेंज होती है तो फोर्स की वैल्यू चेंज होती है, इसकी डायरेक्शन चेंज होती है ठीक है। तो इस केस में जैसे आप लिखा, फोर्स किस तरफ लगी, एफ 2 1 की वैल्यू, तो आपने लिखा 1 बाय 4 पाई एफ नॉट क्यू 1 क्यू 2 बाय आर स्क्वायर, और साथ में यहां पर आर कौन सा लिखा जाएगा जो फोर्स की डायरेक्शन की तरफ होगा। फोर्स की डायरेक्शन की तरफ पोजीशन कौन सा है, आर 1 2 है ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा सेकंड, अगर मैं ये दोनों क्या लेता, अपोजिट चार्ज लेता, एक पॉजिटिव लेता जैसे यहां पर, और एक क्या लेता नेगेटिव चार्ज लेता इस तरफ, चलो कर देता है, ये क्यू 1 पॉजिटिव चार्ज है और क्यू 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इनकी ठीक है। पोजीशन वेक्टर जो है इनके, वो तो डायरेक्शन उनकी वही रहेगी, आर 1 2, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, आर 1 2 इस तरफ, आर 2 1 इस तरफ ठीक है। अब फोर्स की डायरेक्शन भी जो इस तरफ लगेगी, वो फोर्स अट्रैक्ट करी ना एफ 1 2 जो पहले इस तरफ लग रही थी, ये वाली है ना, ये वाली जो फोर्स आप ले रहे हैं एफ 1 2, ये एफ 1 2 थी, ये एफ 1 2 अब इस तरफ लगेगी, और एफ 2 1 भी अब इस तरफ लगेगी है ना। अब इसको कैसे लिखोगे, ये राइट कर लिया आपने, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, एफ 1 2 इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1 क्यू 2 बाय आर स्क्वायर, और पोजीशन वेक्टर अब कौन सा लगेगा जो फोर्स की डायरेक्शन में है। फोर्स की डायरेक्शन में अब एफ 1 2 इस तरफ है, तो इस तरफ भी कौन सा है, आर 1 2 है ठीक है, आर 1 2 ठीक है। और ये देख यहां पर देखो, अब चेंज आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, यहां पर एफ 2 1 था तो पोजीशन वेक्टर कौन सा था, एफ 2 1 आर 1 2 था ठीक है। अब यहां पर एफ 1 2 है तो पोजीशन वेक्टर चेंज हो चुका है, यहां पर ध्यान देना, यहां पर 2 1 एफ 2 1 का आर 1 2 है,
यहाँ पर एफ वन टू का आर वन टू है और एफ टू वन को क्या लिखोगे, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। और फोर्स की तरफ डायरेक्शन कौन सी है, फोर्स की तरफ एफ टू वन की तरफ किसकी डायरेक्शन है, आर टू वन की। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, आर टू वन, ठीक है। तो ये आर वन टू और आर टू वन का आई थिंक आपको ये बातें क्लियर होगी होंगी, जिस तरफ की फोर्स उस तरफ का ही आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना है। तो ये था सारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, तो अच्छे से समझना, इन सारी चीजों को फॉलो करना। थैंक यू सो मच।